एक दोस्त आए हैं मेरे पास अभी जस्ट 2 से 3 रोज पहले। तो उन्हें एयरपोर्ट हुकाम ने जब वो उतरे हैं, लैंड किया है उन्होंने, तो जब उनसे पूछताछ हुई, काफ़ी सारे सवालात किए गए इमिग्रेशन क्लियरेंस के वक्त, तो उनको उन्होंने एक चिट दे दी, रसीद, जिसके ऊपर जैसे कहा जाता है कि विजिटर इंफॉर्मेशन डाटा। तो वो उसको लेकर बड़ा परेशान थे कि ये इन्होंने मुझे क्यों दे दिया है, और क्या ये कोई ख़ास चीज़ है या वैसे ही कोई उन्होंने मुझे एक रसीद दे दी है। तो वो क्या है, उसको आपने बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं या पहुंचने वाले हैं या प्लान किया हुआ है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास वीडियो है, ख़ास करके उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पर लोग, ठीक है, ये उन सब दोस्तों के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। ख़ास क्यों है कि आप जब भी आते हैं ना यहाँ पर, तो आपकी सारी डिटेल्स चेक की जाती हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पर्पस क्या है, और जो चीज़ आप लिख कर आए हैं क्या वही डाटा है आपका या नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा है कि आप इस व्लॉग को सारा देखिएगा, वो इसलिए कहा है कि इस जो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने, कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने, CBSI वालों ने आपको जो लिख कर दिया है या जो इन्फॉर्मेशन की स्लिप दी है, उसके ऊपर बहुत ज़रूरी मालूमात होती है। अगर आप उसके ऊपर पूरा ना उसको किया, तो यहाँ पर फिर कनाडा में आपके लिए ना मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा, होता क्या है, जब आप जहाज़ से निकलते हैं, कॉकपिट से, और बाहर आते हैं, तो पहले आपको ख़ुद वो वीज़ा स्कैन करना होता है, सारी चीज़ें जो उनकी हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आप मेडिसिन क्या लेकर आए हैं, कोई ड्राई फ्रूट तो नहीं साथ लेकर आए, इस तरह की जो उनकी है ना सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है। फिर आप विज़िट पर आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं, वहाँ पर जो PR वाले होते हैं वो तो एक गेट से सेपरेट से चले जाते हैं, जो विज़िटर्स आते हैं उनको फिर एक सेपरेट गेट से आगे भेज दिया जाता है कि आप इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाएं अपनी, और फिर उनका इंटरव्यू होता है, काफ़ी लंबी नीचे लाइन लगी होती है, और फिर जब आपका नंबर आता है तो फिर एक जो वहाँ पर CBSA वाले होते हैं, कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, वो फिर आपका इंटरव्यू डिटेल से लेते हैं। बहुत से दोस्त कहते हैं कि आबिद भाई उनके सवालात का बताएं कि वो सवालात क्या पूछते हैं, हम क्या करेंगे, तो ये तो वहाँ पर उस वक्त जो मौजूद हैं उनकी पॉलिसी चेंज होती रहती है, कि रूटीन के क्वेश्चन जो उनसे हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी जो उनका जो मकसद होता है कि वो आपसे उन्होंने जो मालूम करना होती है चीज़, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो आपसे सवालात करेंगे जी कि आप का पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के लिए यहाँ पर आए हैं, इन्विटेशन पर आए हैं तो किसके पास जा रहे हैं, नहीं आए तो किस होटल में जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, इस तरह की चीज़ें वो इससे मुतलक आपसे सारे सवालात करेंगे। अच्छा, फिर सेकंड जो वो चेक करते हैं कि बंदे के पास फंडिंग कितनी है, कितने पैसे लेकर आया है कि वो जो यहाँ पर उसका स्टे है वो स्टे उसका इतना एनफ मनी है उसके पास कि वो उसको बर्दाश्त कर सके और कोई इशू तो नहीं उसको यहाँ पर आएगा। तीसरी, वो बंदे की इंटेंशन चेक करते हैं कि क्या वो यहाँ से वापस जाएगा, नहीं जाएगा, क्या है। अच्छा, इन तीनों चीज़ों पर उनको अगर वो डाउट आ जाता है जी कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा, इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, या इसका पर्पस जो उसने बताया वो नहीं ठीक है, ये इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है ये, या फिर इसके पास जो एनफ मनी नहीं है यहाँ पर स्टे, जो पीरियड ऑफ स्टे है उसका, उसके लिए, तो ये याद रखिएगा कि कुछ लोग समझते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ, एक दफ़ा आ गए हैं, लैंड कर गए हैं तो अब कुछ नहीं होना। होता क्या है कि अगर वो आपकी किस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो क्या करेंगे कि आपको ये करेंगे कि आपके पहले तो वो कोशिश करते हैं कि आपको एक विजिटर इंफॉर्मेशन डाटा की एक स्लिप दे देते हैं, जिस पर लिखा होता है जी कि ये बंदा
दो महीने में या एक महीने में, 15-20 दिन में, जितना वो बेहतर समझते हैं, इसको आप कनाडा को छोड़ना है, ठीक है, इस पीरियड के दौरान। वैसे तो नॉर्मल टाइम 6 मंथ्स का होता है कि आपने 6 मंथ के बाद कनाडा को छोड़ना है मल्टीपल वीज़ा पे विज़िट के, लेकिन फिर आप आ जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रिसीट पर लिख दिया ना जी कि आपने 25 दिन बाद छोड़ना है, 3 महीने बाद छोड़ना है, 4 महीने, 5 महीने बाद छोड़ना है, जितना भी पीरियड वो लिखते हैं, फिर आपको कनाडा को लाजमी छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपना स्टेटस नहीं चेंज करते। क्योंकि मोस्टली लोग आकर स्टेटस चेंज कर लेते हैं अपना, फिर रह जाते हैं यहाँ पर, वो वापस नहीं जाते, ठीक है। लेकिन उसमें भी वो डर के ना एयरपोर्ट के ऊपर ही वो अपना झूठ मूठ की कहानियाँ सुना देते हैं और फिर ऐसा फंसते हैं कि 15-15 साल, 20-20 साल हो गए लोग यहीं पर हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर वो अप्लाई कर देते हैं अपना असाइलम और उनको झूठ मूठ की कहानियाँ बताते हैं, लास्ट का पता नहीं होता, ठीक है, और फिर वो फंस जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले किसी से, लायर से बातचीत करके, मशवरा करके आएँ, ठीक है, अगर आपका केस जेन्युइन है तो, ठीक है, डिटेल सारी लेकर आएँ और फिर एयरपोर्ट पर अप्लाई ना करें, ठीक है। अगर बहुत ही आपके पास जेन्युइन केस है, हर चीज़ है आपके पास, तो एयरपोर्ट उनको बताएं, तो वहाँ पर आपका भी असाइलम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी कि ये तो एक चीज़ होगी कि वो आपको स्लिप दे देते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ दोस्तों होती है ना, वो ये होती है कि वो आपको कनाडा में इंट्री भी नहीं दे सकते, ठीक है। आप बेशक आपका वीज़ा लगा हुआ है, वो वहीं से आपको कह देंगे कि आप कनाडा में इंट्री नहीं कर सकते और आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग इसको डिपोर्टेशन कहते हैं। डिपोर्टेशन और चीज़ होती है, डिपोर्टेशन में पकड़ के बंदे को डिपोर्ट किया जाता है किसी भी इशू में। डिपोर्टेशन कनाडा से बहुत कम होती हैं, शादर नादर होती हैं कि डिपोर्ट किए जाएं बंदे, लेकिन डिपोर्टेशन के अलावा आपको नो एंट्री दे दी जाती है कि आप कनाडा में एंटर ही नहीं हो सकते, आपको एंट्री नहीं दी जाती और वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। तो इसलिए जो भी दोस्त आएँ, जो भी उनका पर्पज़ है, पहले डिस्कस करके आएँ, ठीक है, सारी चीज़ें समझ कर आएँ, कि कोई उल्टी सीधी चीज़ वो बात ना कहते, जिनको अच्छा भला उनका जो काम हुआ है वो भी वो रह जाए, ठीक है। अच्छा, अब वो मेरे दोस्त यहाँ पर काफ़ी परेशान फिर रहे हैं कि यार ये क्या है, तो उनको मैंने यही कहा है कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो करें, और जो पीरियड उन्होंने लिखा है उसके बाद आप बेशक इस कनाडा को छोड़ दें। तो अगर आपने कोई और लॉयर के पास जाना है, बैरिस्टर के पास जाना है, कोई केस करना है, अपना स्टेटस चेंज करवाना है, तो एक सेपरेट बात है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने लिख दिया है कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने, वो आपको वैसा ही करना चाहिए, और उस पीरियड के दौरान आप कनाडा को लेफ्ट कर जाएं और देन फिर आप दोबारा आ जाएं, क्योंकि आपका जो अपना स्टेटस है, जो आपका वीज़े का स्टेटस लगा है, क्योंकि मल्टीपल वीज़ा लगा होता है लोगों का, 5-5, 10-10 साल का वीज़ा लगता है, जितना आपका पासपोर्ट होता है ना, तो उतना ही वो वीज़ा फिर आपको लगा कर देते हैं। तो अगर आपका पहली दफ़ा ही इस तरह की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो आपका पिछला जितना भी वीज़े का जो रेशो रहती है, आपकी पीरियड रहता है, वो बड़ा ख़राब हो जाता है उस पर। आपको इस वजह से बड़ा मुहतात रहना चाहिए क्वेश्चन आंसर करते हुए, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जिस वक्त आपका वीज़ा लग जाए, उसी वक्त किसी से रब्ता कर लें, यहाँ पर बंदे किसी से, कि ये इस चीज़ के लिए हम आ रहे हैं, तो ये करना चाहते हैं, ताकि आपको कोई बंदा प्रॉपर गाइड करे, ठीक है। लोग किसी से पूछते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, डरते हैं और फिर यहाँ पर आकर जो इंसान अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, क्योंकि उनको पता कुछ नहीं होता। और अच्छा भला इतना बड़ा खर्चा करते हैं आप लोग, ठीक है, लोग ज़मीनें बेच कर आ रहे हैं, अपने कारोबार पूरे पूरे बेच कर आ रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिलियाँ छोड़ कर आते हैं, ठीक है। तो कम से कम इतना तो हो ना कि आपको प्रॉपर पता हो किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, क्या करना है, क्या होगा वहाँ पर, हर चीज़ की मालूमात रखें फिर आएँ, ताकि आपके लिए भी आगे आसानियाँ पैदा हों, आपकी फैमिली के लिए भी आसानियाँ पैदा हों, और स्टार्ट से ही आपका जो सफ़र है वो आसान हो और आपके लिए उसमें मुश्किलात पेश ना आए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि दोस्तों, जो दूसरे दोस्त हैं, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया आपका।